करते रहेंगे। रंग और नूर की वो बरसात होगी जो कभी थमने में भी नहीं आएगी। ये आप क्या कह रही हैं बाजी बुजुर्ग? अपनी जिंदगी के जिस मकसद को हासिल करने के लिए मैं अपने हुस्न, अपनी अदाओं और अपने जलवों का नजराना सिर्फ एक अमीर नौजवानों से वसूल करती थी, वो मकसद पूरा हो गया है। हलका सुनो, सनोवर तुम भी सुनो। जमाना बदल जाएगा, दुनिया की हर शय बदल जाएगी, हर शय फना होगी, हर शय तबाह होगी, बर्बाद हो जाएगी, मगर मेरा हुस्न चांद की उस चांदनी की तरह अपने जलवे लुटाता रहेगा। हाँ, उस चांद की तरह जो कायनात की इब्तिदा से अपने जलवे लुटाता रहा है और कायनात के इंतहा तक लुटाता रहेगा। बाजी हुजूर, ये आप क्या पहेलियां बुझा रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बाजी हुजूर। मैं समझाता हूँ, ये क्या पहेली है। पहले तो इस हुस्ने लाजवाल को आदाब। जलाल, आदाब करते हो और महफिल में आने के अदब भूल गए? यूं किसी नाज़रीन की महफिल में चोरों की तरह आने का क्या मतलब है? तुम मुझे चोर कह रही हो? कनीज़ों, तुम दोनों जाओ। ठहरो, ये तो सुनती जाओ। ये महजबीन सनम कोहे काफ से आवे शबाब के आफसार का प्याला पीना है। मैंने कहा ना, तुम दोनों जाओ। कनीज़ों के सामने अपनी चोरी का कारनामा नहीं सुनना चाहती? क्यों? चोरी का? कौन सी चोरी? सीधे सीधे बताओ मैं जमीन, तुमने मुर्गे सादत का अंडा क्यों चुराया? जब तुम जान ही गए हो तो ये भी जान लो, वो मेरी मजबूरी थी। सदा जवान रहने की ख्वाहिश ने मुझे ये सब करवाया। अच्छा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं सदा जवान रहूं, हसीन रहूं और तुम्हारा दिल बहलाती रहूं? क्यों जलाल? जाने मन, तुम्हें हसीन और जवान देखते रहने के लिए, तुम्हारे लबों की लाली के लिए मैं अपना खून भी दे सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं, अगर तुम्हें वो अंडा नहीं चुराना चाहिए था। क्यों जलाल? इसलिए कि उससे मेरे दोस्त जिन की तिलिस्मी कुवत यानी उसकी जादुई ताकत जुड़ी हुई है। अब मैं समझी, तुम्हें आबी शबाब के लिए मेरे कोहे काफ जाने का राज तुम्हें उसी जिन ने बताया होगा। ये उसकी तिलिस्मी करामात है। अब न सिर्फ वो तिलिस्मी कुवत बल्कि मेरे दोस्त की जान भी खतरे में पड़ गई है। मुझसे बड़ी भूल हो गई जलाल। इससे बड़ी भूल तुमने ये की कि जिब्रान जादूगर की मदद कबूल की। वो शैतान का चेला है, तुम्हें उसे जरूर नुकसान ही पहुंचेगा। देखा जाएगा, इस वक्त तो मैं फायदे में हूँ क्योंकि मैं लाजवाल हुस्न की मालिक बन गई हूँ। आका, तिलिस्मी कुव्वत के बिना जिन कितने मजबूर हो जाते हैं। कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए
जादुई कुवत ना होने के सबब में अपने भाई रियासत की खैरियत तक मालूम न कर सका। कई दिनों से न भाई रियासत की शक्ल देखी है न आवाज सुनी है। फिक्र मत करो जिन्हें दौलत, हौसला रखो, मुझे भी अपने भाई बिलाल की बहुत चिंता सता रही है। बस चांदी परी गई है खबर लाने, आती होगी। तुम आ गई चांद परी, बताओ मेरे भाई रियासत का क्या हाल है, बताओ। और मेरा भाई बिलाल कैसा है? मैं तुम्हें बिलाल का हाल बताकर सदमा पहुंचाना नहीं चाहती थी, मगर हालात की संगीनी को समझने के लिए सब कुछ सच बोलना जरूरी हो गया है। तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। गुलफाम ने धोखे से काम लेकर बिलाल को आधा पत्थर का बना दिया है। मैं उस गुलफाम को छोड़ूंगा नहीं। नहीं जलाल, ये काम इतना आसान नहीं। इस वक्त हमें एक अकेले गुलफाम से नहीं बल्कि दो दुश्मनों से मुकाबला करना है। मगर मुश्किल ये है कि दोनों दुश्मन अलग अलग जगहों पर हैं। एक तरफ गुलफाम है जिसके पंजों से शहजादी हुस्नारा को बचाना है, तो दूसरी तरफ जादूगर चिपटान है जिसे मुर्गा सादत के अंडों को बचाना है। कुछ भी हो, मैं उस गुलफाम को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस बदबخت की जान ले लूंगा। गुलफाम के पीछे वही कार तक जाना बहुत मुश्किल है जलाल। गुलफाम की जान लेना भी कोई हंसी खेल नहीं है। उस चालाक और मकार जिन ने अपनी जान एक तिलिस्मी परिंदे में छिपा रखी है, और वो तिलिस्मी परिंदा वही काफ में कहाँ है वो गुलफाम के सिवा और कोई नहीं जानता। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उड़कर कोहे खाफ पहुँचूं, गुलफाम से समझूं, सारा हिसाब बेबाक करूं, मगर क्या करूं, मजबूर होकर रह गया हूँ। नहीं जिन्हें दौलत, पहले हमें बिलाल के पास जाना होगा। चांदी परी, क्या तुम हमें अपने परों पर बिठाकर आनन फानन भाई बिलाल के पास नहीं पहुंचा सकती? नहीं जलाल, मैं किसी आदमजात को तो लेकर उठ सकती हूँ, मगर किसी जिन को उठाने की कुव्वत मुझ में नहीं है। और जाहिर है कि तुम दोनों को साथ में ही जाना है। एक काम करती हूँ, तुम्हारी मदद की एक सूरत हो सकती है। जलाल और भाई दौलत, तुम दोनों चांदनी रात में अपना सफर शुरू करना, और रवानगी से पहले इस गेंद को रास्ते में छोड़ देना। ये तिलिस्मी गेंद है, तुम्हारी रहनुमाई करेगी।
यानी तुम्हें अपने भाई बिलाल के पास ले जाएगी। ये गेम को छोड़ते ही वो आप ही आप आगे बढ़ेगी और तुम इसके पीछे चलना और चलते रहना। लो ये गेम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आका, आज चांदनी रात है, हम आज ही आका बिलाल से मिलने के लिए रवाना होते हैं। जरूर, मगर यहाँ से रवाना होने से पहले मैं महजबीन सनम से अलविदा को कहूँगा।